सूरजपुर जिला के भड़गांव विधानसभा में 72 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के सामूहिक इस्तीफे पर आखिरकार आज विराम लग ही गया। दरअसल भड़गांव विधानसभा के चांदनी बिहारपुर क्षेत्र में 72 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया के दौरे के दौरान पार्टी से इस्तीफा देने की बात कही गई थी। ऐसे में भड़गांव विधानसभा के विधायक और संसदीय सचिव पारसनाथ राजवाड़े के निवास पर 72 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मुलाकात कर अपनी समस्या से अवगत कराया, जहां मौके पर ही विधायक ने कार्यकर्ताओं के समस्याओं का निराकरण कर दिया। कार्यकर्ताओं ने बताया कि चांदनी क्षेत्र के ब्लॉक अध्यक्ष की कार्यशैली से आहत थे, ऐसे में केवल ब्लॉक कार्यकारिणी से इस्तीफा की पेशकश किए गए थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी से कभी इस्तीफा की बात नहीं की गई थी। वहीं विधायक राजवाड़े ने बताया कि कार्यकर्ताओं को दिग्भ्रमित किया गया था। चांदनी क्षेत्र के ब्लॉक अध्यक्ष ने एक वर्ष पूर्व ही पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसकी जानकारी के अभाव में कार्यकर्ता मंत्री तक पहुंच गए थे। ऐसे में कार्यकर्ताओं से चर्चा कर उनकी समस्याओं का निराकरण किया गया। भड़गांव विधानसभा में कांग्रेस पार्टी मजबूत थी और मजबूत रहेगी, ये कहना है विधायक राजवाड़े का। 5 तारीख को प्रभारी मंत्री सूरजपुर प्रवास पर थे और सूरजपुर प्रवास में बिहारपुर के कार्यकर्ता सभी एक ज्ञापन दिए थे, जिसमें 70-72 लोगों का नाम था और इस्तीफा की पेशकश किए थे कि हमारी जो मांग है मंदेश गुर्जर को हटाने का, और उनको नहीं हटाएंगे तब तक तो हम इस्तीफा दे रहे हैं, हमारा इस्तीफा स्वीकार किया जाए। और सच्चाई यह है कि देखिए, हम लोग मतलब इस्तीफा देने का मांग किए थे। अगर हम लोगों का मतलब अगर बात नहीं अगर जैसे सुना जा रहा है अपने उच्च नेताओं के द्वारा, पार्टी के द्वारा, विधायक महोदय जी के द्वारा, तो हम लोग ये लिखे थे कि हमारी मांगे जो है इस्तीफा का स्वीकृति सत्कार किया है। इनका हम लोगों का पूरा भरोसा है, पूरा हम लोग भरोसे के साथ आए थे। जो हम लोग मतलब बात रखे थे, हम लोगों की बात पूरी हुई है, बहुत विधिवत गौर से वो सुने, हम लोगों का निदान किए। ये रणनीति तो ये रही कि अब हमारे यहाँ मतलब जब तक बहुत पहले से बीजेपी का 15 साल राज रहा, सरकार रहा, हमारे सरकार में 4.5 साल में इतना काम हुआ है हमारे सरकार की तरफ से, हमारे विधायक महोदय जी की तरफ से, कि हमारे क्षेत्र का सब पब्लिक, सब जनता, सब कार्यकर्ता, सब हम एक संगठन होकर के, एक सुर होकर के भारी मजबूती से हम लोग मतलब का कहना मतदान कराएंगे। भारी मतों से हमने अपना विधायक जो हमारे उम्मीदवार आएंगे सामने उनको हम जीते। ये अपने संगठन का मामला था जिसे एक परिवार का मामला होता है। आपने अपने बीच कुछ मतभेद हुआ था अध्यक्ष को लेकर बिहारपुर में, तो क्या था कि इसमें इस्तीफा का बात ही नहीं था। इसमें ऐसा था कि हमारा मांग अगर पूरा नहीं होता है तो हम इस्तीफा दे सकते हैं, देने की किसने कोई है नहीं, हम इस्तीफा दे दिए, हम कांग्रेस में हैं, कांग्रेस में ही रहेंगे और करते रहेंगे, तो इस्तीफा की इसमें कोई बात ही नहीं है। और आज कोई बात ही नहीं, एकदम बिल्कुल ही एकदम साफ मैं कर दे रहा हूँ कि इस पार्टी कोई 72 कार्यकर्ता साइन किए हैं, कोई पार्टी नहीं छोड़ रहा है। हम लोग अपने उपमंडल जो हम लोग का मंदेश गुर्जर जी थे, उनको तानाशाहिया रवैये से और कार्यकर्ताओं से सही संबंध नहीं रखते थे, कार्यकर्ताओं को सही लेकर के नहीं चलते थे, तो उनके खिलाफ हम लोगों ने आवाज़ उठाया था और आकर अपने पार्टी में ऊपर सूचना दिए थे कि अध्यक्ष यदि नहीं पलटा जाता है तो वहाँ की स्थिति ठीक नहीं रहेगी और वहाँ उनके साथ में हम लोग काम नहीं करेंगे। अच्छा, कोई खास चर्चा नहीं तो हुआ, आज मुलाकात हुआ। पूरा हमको भरोसा है और सब पूरा एक है, हम लोगों का बात पूरा 100% माना गया है और सही निरीक्षण लिया गया है। हम लोग विधायक महोदय के साथ में हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ में हैं और हर समय तन मन धन से काम करेंगे। कोई हम लोग में मतभेद नहीं है, हम लोग एक परिवार एक पार्टी के हैं, एक जगह के हैं और एक जगह रहेंगे। ऐसा पार्टी छोड़ने वाली कोई बात ही नहीं उठती है, हम लोग छोड़ने के लिए बोले भी नहीं थे। हम लोग का कहना था कि अगर हम लोग का बात नहीं माना जाएगा तो हम लोग उसके साथ में काम नहीं करेंगे। आज पूरा बात मान लिया गया है, हम लोग सही मिलजुल करके पूरे ठीक से काम करेंगे, अच्छी तरह से काम करेंगे, पहले से अच्छा परिणाम निकालेंगे। हमारा का संगठन सही है, हमारे ऊपर के पूरे पदाधिकारी लोग सब सही हैं, विधायक महोदय हमारे सही हैं, 100% बात मानते हैं और तो हम लोगों का चांदनी का कोई भी बात नहीं है, हम लोग पूरे परिवार एक है। जिंदाबाद।